सारे शहरों की लाइफलाइन होती है उसका लोकल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हर रोज बहुत से लोग पहुँचते हैं तरक्की की एक नई जिंदगी के लिए, और ऐसे में यहाँ का बहुत सी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और सबसे ज़्यादा एफर्ट जो लगाना पड़ता है वो है रोज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ऐसे में लोकल ट्रांसपोर्ट हर शहर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खासकर बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और इंदौर। यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आप जानते होंगे कि मुंबई में लोकल ट्रेन्स है और दिल्ली में है मेट्रो, और इनसे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका काम काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि ये कभी भी आम सड़कों पर नहीं रुकती हैं और आपको अपनी जगह पे समय से पहले पहुंचाती है। कुछ इसी तरह की पहल इंदौर में भी की गई है, यहाँ पे भी आई बस चलती है और इसके सफ़र के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हम भंवर कुआं से अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे और आगे जाके देखेंगे कि हमारा ये सफ़र कैसा रहता है। तो चलिए, हमने अपनी टिकट ले ली है और ये विजयनगर की टिकट है। आपको बता दूं कि भंवर कुआं क्योंकि स्टूडेंट एरिया है तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स टू एंड फ्रो करते हैं, हालांकि विजयनगर तक तो नहीं जाते हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि वो लोकल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स एरिया है तो लोग आते भी हैं कोचिंग्स का पूछने और वहाँ से जाते भी हैं, तो यहाँ पे काफ़ी आना जाना लगा रहता है। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मास्क मैं पहन लेती हूँ क्योंकि पब्लिक एरिया है। हालांकि आपने मुझे अभी तक किसी भी वीडियो में मास्क पहने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग रखूं और मास्क पहन लीजिए। मैंने अपना मास्क पहन लिया है, टिकट भी ले ली है, तो आइए देखते हैं प्रोसेस इनका कैसे रहता है। आइए, तो चलिए अब हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हर 10 मिनट में जो है एक बस मिल जाएगी जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। हमारी मंजिल आज विजयनगर है, और यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी जगह पे जाना है और आपका रूट कौन सा है तो आपको वहाँ पे कितनी टिकट चुकानी होगी, क्योंकि यहाँ से विजयनगर काफ़ी दूर है, लेकिन मैं सिर्फ 15 रुपये में बहुत अच्छे सफ़र की उम्मीद कर रही हूँ कि होगा, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि आई बस भीड़ ना होने की वजह से ये सफ़र और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे तो इस सफ़र में। अगर आप भी इस तरह के सफ़र पहले कर चुके हैं आई बस में तो हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे जो बाकी सब्सक्राइबर्स बाकी व्यूअर्स हैं वो भी देख सकें कि आई बस एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इंदौर वासियों के लिए जो बाहर से हैं उनके लिए भी। तो चलिए, मैं पहुँच गई हूँ विजयनगर। आपको बता दूं कि विजयनगर एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही पॉश इलाका है और इस पॉश इलाके के बाद अब वक्त है वापस जाने का।
ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह के अच्छे कंटेंट को हम आप तक ले जा सकें। अगर आपके पास भी इस तरह के कुछ अच्छे स्पॉट्स हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए लाइफ इज़ ब्यूटिफुल।